एक और बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, जामिया और जेएनयू मामले में गृह मंत्रालय के सूत्रों से हमें ये खबर मिल रही है कि इस विवाद के हल का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जामिया विवाद की बात करें तो जामिया की वाइस चांसलर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से मिली है, और जेएनयू हिंसा मामले की अगर हम बात करें तो पहचाने गए 9 लोगों में से 3 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जेएनयू मामले में 34 सदस्य जो कि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं, उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जेएनयू हिंसा के दौरान बातचीत की जा रही थी, तो अब तक 8 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। तो जेएनयू हिंसा की अगर हम बात करें तो 3 लोगों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग सदस्य थे उनसे भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? शोभा, देखिए कुल 43 लोग थे जिसमें से 34 व्हाट्सएप ग्रुप के लोग थे और 9 वो लोग थे जिनसे जिनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुल मिलाकर 8 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको भी नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा कल दिल्ली पुलिस आयुक्त ने होम सेक्रेटरी ए के भल्ला से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ये कहा गया था कि जामिया विवाद को भी निपटाया जाए, तो लिया जाए। जो जामिया की वीसी है उन्होंने भी आज पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की है और इस मामले को भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।